हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस का, इसे सेलेक्ट करना है। अब आपको इस वाले पेज में ना नीचे की साइड रैम बूस्ट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको नीचे की साइड में तीन ऑप्शन मिलते हैं, 1GB, 2GB, 4GB, ठीक है। तो जितने जीबी रैम आपको बढ़ाना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 2GB रैम बढ़ाना है, 2GB पे सिलेक्ट कर लीजिए तो ये पेज आ जाएगा। इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फोन स्विच ऑन हो जाएगा ना, तो आपके फोन में 2GB रैम बढ़ जाएगी, जैसे मैंने 4GB बढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की रैम को बढ़ा सकते हैं अपने फोन में, ठीक है।